हे एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं, लो हम आ गए, लो मेरा तो हो गया, लो मैंने बोल दिया, करो क्या करना चाहते हो, लो हम पहुंच गए, लो सब ठीक हो गया, अब चिंता मत करो। सो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे हेयर। कभी कभी मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर लुक भी फिट बैठता है। आप लुक वर्ब का यूज कर सकते हैं जो कि सेंटेंसेस के माध्यम से आप लोगों को और भी अधिक समझ में आएंगे। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी रहेगा, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी टेंस होगा उसके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब आएगा। तो आइए इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, लो हम आ गए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हेयर वी आर, हेयर वी आर। यू कैन ऑल्सो से हेयर वी हैव कम, हेयर वी हैव कम। वी हैव को मिला सकते हैं हेयर वीव कम, हेयर वीव कम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेकेंड वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आ गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, लो उसने बोल दिया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हेयर ही स्पोक, हेयर ही स्पोक। यहाँ पर आप स्पोक के जगह टोल्ड वर्ब का यूज कर सकते हैं, हेयर ही टोल्ड, हेयर ही टोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, लो सब ठीक हो गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लुक एवरीथिंग इज ऑल राइट, लुक एवरीथिंग इज ऑल राइट। मीन्स कहने का मतलब क्या होगा कि देखो सब ठीक हो गया है, ठीक ठाक है, चिंता करने की बात नहीं है, लो ठीक हो गया। हिंदी में हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं बट इंग्लिश में मीनिंग के हिसाब से इंग्लिश बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लो उसने सुन लिया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हेयर ही हर्ड, हेयर ही हर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, लो मेरा तो हो गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हेयर आई एम डन, हेयर आई एम डन। नेक्स्ट सेंटेंस, लो हम चले। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हेयर वी गो, हेयर वी गो। नेक्स्ट सेंटेंस, लो ये तो घर पर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लुक सी इज एट होम, लुक सी इज एट होम। हे गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।